हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक और नए शेयर से रिलेटेड, एक SME स्टॉक। वैसे तो SME स्टॉक से रिलेटेड मैं बातें नहीं करता, बट अगर कोई अच्छी चीज मिल जाए तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस कंपनी का नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है सोलर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम जानेंगे। क्यों मैं शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, एज वेल एज आपको पता चल जाएगी कि कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी का चार्ट क्या कह रहा है, उससे रिलेटेड पता चल जाएगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि तसल्ली से एक एक करके हम यहाँ पर इस कंपनी के बारे में जान सके और समझ सके। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, बट उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए वीडियोस है, जाइए एक एक करके वीडियोस को देखिए, आपको बहुत मजे आएंगे, आपको सीखने को मिलेगा। साथ में अगर आपको वाकई स्टॉक मार्केट में अच्छे से काम करना है, सीखना चाहते हो, तो आप हमारा बेसिक्स टू एडवांस ये कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पर हम 1 to Z सारी चीजें बताते हैं। 8860540501, 8169261037, सर इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, क्यों शेयर भागता है, क्यों गिरता है, कब भागता है, कब गिरता है, कौन सा शेयर लेना है, कौन सा बेचना है, वो सारी चीजें पता चलेगी। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 months की हैंड होल्डिंग है, स्ट्रेटेजी, स्टॉक मार्केट और लेनोट सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है। तो बेहतरीन कोर्स है, 25,000 रुपए की कीमत है, और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत आपकी होने वाली है कितनी, 50,000 रुपए। तो आप यहाँ पर इस कोर्स के एनरोल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड की। तो कंपनी करती क्या है, देखिए 2013 में इनकॉर्पोरेटी ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड, मैन्युफैक्चर मोनोस क्रिस्टेलियन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल्स एंड प्रोवाइड्स इंजीनियर्स प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस फॉर रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर कंपनी सोलर्स के कुछ मॉड्यूल्स बनाती हुई नजर आती है, और उसके इंजीनियर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है फॉर द रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल यूज। ठीक है, तो अच्छी खासी कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के बारे में और भी जान सकते हैं। कंपनी 2 टाइप्स ऑफ सोलर पैनल बनाती है, मोनोक्रिस्टल जो हमने ऊपर बात करी थी, वो पॉली की क्रिस्टलियन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, इंस्टॉलेशन सर्विस ये प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और भारत किस तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर में तो भारत आगे है ही, आपको बताइए, और उसमें तो काम कर ही रहा है, और उसी ये कंपनी उससे रिलेटेड ही कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर इनकी रेवेन्यू ब्रेकअप और ये सब कुछ, कहाँ कहाँ पर ये कंपनी काम करती है, वो सब चीज यहाँ पर दे रखी है। तो एक बार जाके इनकी वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। इनकी वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी इनके प्रोडक्ट। देखिए सोलर पैनल ये बनाते हुए नजर आते हैं, ग्रिड टाइड इन्वर्टर, इंडस्ट्री अचीव सोलर वाटर पंप, तो ये सारी चीजें ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, ये अच्छा खासा ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल्स की बात करें तो 1,023 करोड़ रुपए कंपनी, मतलब स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं, ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। दूसरा, जब मैं इस छोटे शेयर की बात करूं तो याद रखिएगा, तो छोटे शेयर भागते हैं ना तो बड़े अच्छे नजर आते हैं, ठीक है, कि सर्किट लग रहे हैं और पैसे पे पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं, कब शेयर 5 5 10 10 गुना तक के रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। बस जब शेयर गिरते हैं ना तो उसी तरीके से गिरते हुए नजर आते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगी कब आपकी जेब में से शेयर ने 50%, 60%, 70%, 80%, 90 90% तक रिटर्न आपके ले लिए। तो इस चीज को याद रखिए, सही टाइम पर लेकर सही टाइम पर बेचना वो बहुत जरूरी है, जो मैं आपको अपने इस कोर्स में भी यहाँ पर बताता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए स्टॉक का पी 61 का है, इंडस्ट्री का पी 52 का है। तो सबसे पहली बात तो स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा है, बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ पी के बेस पे काम नहीं करते, ठीक है, और पी कुछ नहीं है, ठीक है, पी के बेस पे अगर आप काम करोगे तो याद रखिए आप अच्छी चीज नहीं ले पाओगे। आप सोचोगे कि ये हमेशा महंगा है, और फिर उस चक्कर में आपको पता चलेगी शेयर 100 गुना 100% फिर भाग गया, दो दो गुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो आपको वो चीज समझनी होगी। आरओसी आरओई ठीक ठाक नजर आती है, इंडस्ट्री का पी 52 का है। डेट की बात करें तो कंपनी के पास लगभग लगभग 14% के आसपास का डेट है, ज्यादा डेट भी नहीं है, 10 की फेस वैल्यू है, कंपनी डिविडेंड देती नहीं है।
ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी सेल्स ग्रोथ काफी बेहतरीन नजर आती है, 80% की मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। जनवरी में ये शेयर आया था, उसके बाद शेयर अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, एसएमई कंपनी। तो एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जब ये छोटी कंपनी होती है ना, उनके रिजल्ट आते हैं हाफ ईयरली बेसिस पे। तो इसके रिजल्ट आए हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो 164 करोड़ रुपीज की सेल्स है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट देखोगे 13 करोड़ रुपए का, जो कि हाईएस्ट एवर यहाँ पर, जितना भी हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से हाईएस्ट एवर यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी क्या कर रही है, अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ईयरली वो बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर ठीक ठाक नजर आता है, कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है और ऐसे ही कंपनी पैसे बनाती हुई नजर आती है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व 41 करोड़ के आसपास के, जैसे कि मैंने बताया था कि 14% के आसपास का ही बोरिंग है, ज्यादा बोरिंग नहीं है, 9 करोड़ के आसपास की बोरिंग है। और यहाँ पर हम बात करें कैश की, तो 35 करोड़ रुपए इसके आसपास का कैश पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगी प्रमोटर्स के पास 73.64% की होल्डिंग है। ठीक है, एफआईएस के पास 1% की, डीआईएस के पास 3% की, और पब्लिक के पास 21% की होल्डिंग है। इसमें भी आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि कौन यहाँ पर बेच रहा है, कौन यहाँ पर खरीद रहा है, आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आ जाएगा कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक नजर आते हैं। और जैसे कि स्मॉल कैप की बात करी थी कि रिस्क होता है, ठीक है, जब भागते अच्छे भागते, जब गिरते उस तरह गिरते हैं, और ऐसे एसएमई स्टॉक्स में भी थोड़ा सा रिस्क और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही अपने डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से यहाँ पर लीजिएगा। चार्ट क्या कह रहा है उससे रिलेटेड बातें करते हैं, बट उससे पहले अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल पे नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियोस देखिए, सीखिए, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नंबरों को नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर चीजें सिखाते हुए नजर आते हैं। आप इसकी इंक्वायरी ले सकते हो, साथ में काम करना है तो भी नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि शेयर जब आया था लगभग 135 रुपए के आसपास आया, और फिर वहां से आप देखोगे 671 रुपए, एक बेहतरीन, अब बात करें तो अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ नजर आया है, और वो भी कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। उसके बाद एक गिरावट हुई, कंसोलिडेशन हुआ, और कंपनी के नंबर आने के बाद यहाँ पर ये शेयर लगभग 2 दिन से अपर सर्किट लगाता हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या, अभी तो जैसे कि मैं हमेशा रहता हूँ, अपर सर्किट लगा रहा है तो अभी लेने का कोई फायदा नहीं है। अभी तो ले, अभी बेफालतू में एंट्री करिए, कि अभी मत पता चले कि यहाँ पर आपने डेली ऑर्डर लगा के रख रहे हो और जिस दिन आपको शेयर मिले उस दिन उसमें लोअर सर्किट लग गया, तो ऐसा मत करिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये अभी अपर सर्किट लगाते लगाते शायद ये शेयर को 633 की तरफ, 670 की तरफ ये ले जाते हुए नजर आए। ठीक है, उसके बाद शायद थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आए, जब ये गिरे उस टाइम यहाँ पर सोचिएगा। ठीक है, उस टाइम यहाँ पर एक बार टेक्निकल एनालिसिस दोबारा करके हम देख लेंगे। ठीक है, या फिर आप एक बार चाहो तो मुझसे यहाँ पर कमेंट में यहाँ पर पूछिएगा, तो यहाँ पर एक बार हम बात कर लेंगे इससे रिलेटेड। बट स्टिल मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर यहाँ लेना नहीं है। अभी हम बात करें तो शेयर क्या नजर आता है, अभी मुझे लगता है कि ये शेयर एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ तक अगर जा रहा है तो लगभग लगभग अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 28 से 30% के रिटर्न तो यहाँ पर बन ही रहे हैं। बट जब चीजें निकलेगी तो जैसे तो दूर तक यहाँ पर जाएगी, तो अगर हम बात करें तो अगर ये शेयर यहाँ से निकलता है तो शायद ये शेयर आपको 939 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक की रैली करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ से भी शेयर डबल हो सकता है, बट मेरे कहने पर और किसी और के कहने पर नहीं लेना है, महंगी चीजें लेनी नहीं है, आपको सही तरीके से चीजों को एनालाइज करके ही यहाँ पर कोई भी चीजों के रिलेटेड यहाँ पर बातें करनी है, देखना है, सोचना है, समझना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और मुझे लगता है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही तो ये शेयर 1,000 से 1,500 रुपए अगली दिवाली तक जाता हुआ नजर आएगा। मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है तो अगले अक्टूबर नवंबर तक ये शेयर शायद 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा, नंबर को नोट कर लीजिए, कोर्स करिए, है ना, साथ में काम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।